राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस महात्म्य में हम भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह और कौरव और पांडवों के जन्म की कथा का वर्णन आएगा। आइए अब हम इस अध्याय को सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, सत्यवती को जो पतिव्रता थी तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा शांतनु ने उन्हें कैसे प्राप्त किया? शांतनु तो एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन मच्छुहारे के घर अर्थात निषाद के घर हुआ था। फिर उन दोनों का मिलन कैसे हुआ, आप हमें यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले कि राजा शांतनु को शिकार का बेहद शौक था। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म को वे हमेशा अपने साथ ही रखते थे। वे इस प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हो। एक बार की बात है, राजा शांतनु मृग का शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गए, जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। उन्हें वहां एक अजीब सी खुशबू आई। यह गंध कहां से आ रही है, इस बात का पता लगाने के लिए राजा शांतनु वन में इधर उधर घूमने लगे। राजा शांतनु मनीमन सोचने लगे कि पारिजात, कस्तूरी, चंपा, मालती, केतकी, इनमें से किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं है। मेरी नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहां से लाकर मेरे पास उपस्थित कर दिया। इस प्रकार सोचते सोचते राजा शांतनु वन में चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया। जिधर से वह हवा आ रही थी वे उस ओर बढ़ गए। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। उस स्त्री ने सुंदर श्रृंगार कर रखा था। वह सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। वे मनीमन सोचने लगे कि यह सुगंध तो इसी के शरीर से आ रही है। उसे देखते ही राजा शांतनु का चित्त आश्चर्य में पड़ गया। वे मनीमन सोचने लगे कि यह कौन है, कहां से आई है, यह मानुषी है, गंधर्व है, नागकन्या है या फिर कोई अप्सरा है। तब राजा शांतनु उसके पास गए और बोले कि हे प्रिय, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम कहां से आई हो, तुम यहां कैसे बैठी हो, तुम्हारा विवाह हो चुका है या तुम अविवाहित हो, कृपया मुझे बताओ। इस पर राजा शांतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्रों वाली उस युवती ने कहा कि हे राजन, मैं दाशराज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञा से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर गए हुए हैं। हे राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर वह कन्या चुप हो गई। तब राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा कि हे प्रिय, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। हे मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मैं सदा तुम्हारे अनुकूल ही रहूंगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। तब से मैंने दूसरा विवाह नहीं किया है। बिना स्त्री के ही मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा शांतनु की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री बोली कि हे राजन, आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। दाशराज की मैं पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार ही चलती हूँ। यदि मेरे पिता ने आपको देना स्वीकार कर लिया तो आप मेरे साथ पाणिग्रहण कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दाशराज के घर पहुंच गए। उन्हें आता देखकर दाशराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा शांतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला कि हे राजन, मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ किस कार्य से पधारे हैं, कृपा करके बताइए। राजा शांतनु ने कहा कि हे दाशराज, तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं उसे धर्म पत्नी बनाऊंगा। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। दाशराज ने राजा शांतनु से कहा कि हे राजन, आप यदि मेरी कन्या को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको एक वर देना होगा। मेरी यह शर्त है कि मेरी कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। सूत जी कहते हैं कि दाशराज की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म को राजा बना चुके थे। मन पर चिंता की घटा घिर गई और वे घर लौट आए और
उदास होकर बैठ गए। न कुछ खाते थे, न ही उन्हें नींद आती थी। महाराज शांतनु को चिंता में देखकर पुत्र देवव्रत, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, वो उनके पास गए और बोले कि पिताजी, आप राजाओं के सिरमोर हैं। कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है? मैं अभी उसे अधीन कर देता हूँ। आप इतने चिंतित क्यों हैं? हे राजन, जो पुत्र पिता के दुख को दूर नहीं कर सकता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। रघुकुल की रीति चली आ रही है कि भगवान राम ने पुत्र रूप से दशरथ के घर जन्म लिया और पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य का परित्याग करके 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहे। हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का रोहित अपने पिता के इच्छा अनुसार बिक गया और ब्राह्मण के घर सेवावृत्ति स्वीकार कर ली है। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि आपको प्रसन्नता हो? आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं कि राजा शांतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे बोले कि पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू शूर वीर है, पराक्रमी है, प्रतिष्ठित है एवं संग्राम में कभी भी तू पीछे नहीं रहेगा। एक संतान होने के कारण मुझ जैसे पिता का जीवन ही विफल है, क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या करूँगा। पुत्र, मुझे यही चिंता है और कोई चिंता नहीं है। सूत जी कहते हैं कि राजा शांतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने अपने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिताजी बहुत लज्जित हैं, वे मुझे स्पष्ट कुछ नहीं बता रहे हैं। आप लोग उनसे पूछकर बताइए कि उन्हें किस बात की चिंता है, मैं उनकी चिंता को तुरंत दूर कर दूंगा। तब सभी मंत्री राजा शांतनु के पास गए और उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने अपनी चिंता का कारण अपने मंत्रियों को बता दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण अपने मंत्रियों के साथ लेकर दाशराज के घर पहुंच गए और प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे परतंत्र, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिता के लिए दे दो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ और वचन देता हूँ कि तुम्हारी कन्या मेरी माता बनेगी, मैं उनका सेवक बनूंगा। दाशराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पिता से एक ही शर्त पर करूंगा कि मेरी पुत्री से पैदा हुआ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। भीष्म ने कहा कि हे दाशराज, यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं अपनी माता के पुत्र से उत्पन्न हुए राजकुमार को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। दाशराज बोले कि मैं जान गया कि तुम सत्य कह रहे हो, किंतु यदि तुमने शादी करी और तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठ पूर्वक मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भीष्म ने कहा कि हे तात, मैं दूसरी प्रतिज्ञा यह करता हूँ कि मैं आजीवन कुमारा रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूँगा। यह बात मैं आपको सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दाशराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ कर दिया। इस प्रकार महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह कर लेते हैं और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था, क्योंकि अंबिका व्यास जी के तेज को सहन करने में असमर्थ होने के कारण आंखें मूंद लेती है, जिससे उसको नेत्रहीन पुत्र पैदा हुआ, अर्थात धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और जब सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधु अम्बालिका को व्यास जी के पास संतान उत्पत्ति के लिए भेजा तो अम्बालिका ने मुनि का तेज सहन करने के लिए अपने सर्वांग में मलियागिरी चंदन का लेप लगा लिया, जिससे उसे पांडु रोग वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। जब सत्यवती को पता चला कि एक पोता उसका अंधा पैदा हुआ है और दूसरा पांडु रोग से पीड़ित है, तब सत्यवती ने दोबारा अपनी दोनों पुत्र वधुओं को व्यास जी के पास संतान उत्पत्ति के लिए भेजा। लेकिन इस बार अंबिका और अम्बालिका दोनों ही नहीं गई, उन्होंने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी बड़े ही सत्यवादी, धर्म के अवतार और पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बना दिया। अंधे होने के कारण दशराज को राज्य का अधिकार नहीं मिला। भीष्म जी की सहमति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का भार संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी मंत्री पद पर नियुक्त हुए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, जिसमें एक का नाम गांधारी, जो सुबल राज की पुत्री थी, और दूसरी का नाम वेश्या,
जो वेश्य कन्या थी वह घर का कार्य संभालती थी। राजा पांडु की भी दो स्त्रियां थी, एक थी शूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री जिसका जन्म मद्र राज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्र पैदा करे। वेश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्या अवस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम कर्ण पड़ा। उसके बाद कुंती पांडु की धर्म पत्नी बनी। ऋषिगण बोले कि मुनिवर सूत जी आप यह कैसी विचित्र बात कर रहे हैं, कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया, उसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ, कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी बनना पड़ा, फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया, यह बात हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजवरो, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपना घर पर पालन पोषण किया। कुंती बड़ी ही सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासा का दिन था, प्रातःकाल की पुण्य वेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े ही संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र दिया जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण करते थे। दुर्वासा जी के चले जाने के बाद कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया कि मैं किस देवता का स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे, उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आह्वान में वह संलग्न हो गई। आह्वान करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती को महान आश्चर्य हुआ और वह कांप उठी। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और बोली कि हे भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ, अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा कि धर्म के रहस्य को जानने वाले हे भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, मैं अभी कन्या हूँ, हे सुव्रत, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान सूर्य बोले कि हे कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो जिसने तुम्हें ये मंत्र दिया है उसको मैं शाप दे दूंगा, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह पाओगी। हे सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा, साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे, मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलक्षित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई, वह सदा अपने गुप्त गार में रहने लगी। यह रहस्य एक धाई को मालूम हो गया, न माता जान सकी न दूसरे लोग ही। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था, मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच धारण किए हुए था। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धाई ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी बोली कि सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूबी हो। तब उस बालक का त्याग करने के लिए कुंती ने उस पुत्र को पिटारी में रख दिया और बोली कि बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है किंतु मैं लाचार हूँ, मैं क्या करूँ, तुम मुझे प्राणों के समान ही प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा त्याग करना आवश्यक है, तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपिणी है, वे सभी की अधिष्ठाती एवं अखिल विश्व की जननी है, वे भगवती ही तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है, फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा। तुम सूर्य के पुत्र हो, हे पुत्र, मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी का आराधन नहीं किया, उन कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया, इसी से मुझे आज तुम्हारा ये त्याग करना पड़ रहा है। सूति जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखा और धाई को दे दिया। कोई जान न जाए इस बात से वह डरती थी। तत्पश्चात उसके बाद उसने स्नान किया, भयभीत रहते हुए पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाई पिटारी लेकर जा रही थी, रास्ते में अधीरथ नामक सूत मिला।
अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्म पत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके साथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया और मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दिया कि यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी बात सत्य है। मुनि का इस तरह शाप देने से पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे बहुत दुखी हुए और राज्य का परित्याग करके वन में चले गए। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी उनके साथ चली गई। गंगा के तट पर मुनियों का आश्रम था। वहीं पांडु ने अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्म शास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी और आदर पूर्वक पूछने लगी, हे परंतप, संतानहीन की गति नहीं होती। स्वर्ग में जाने का भी वह अधिकारी नहीं होता। अतः जिस किसी भी उपाय से तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे दिया था। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। हे राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। तब धर्म वहां पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। वायुदेव की कृपा से भीम, देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन और एक एक वर्ष के अंतर में ये परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा कि कुरुक्षेत्र, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी ही दयालु थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बता दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री को नकुल और सहदेव दो पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से इस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकार ग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच रही थी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर उनको रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्दत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार पांडु धराशायी होते ही माद्री भी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, पांचों लड़के, महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उपस्थित सभी मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिया। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। कुंती के आने का समाचार सुनकर भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र और नगर में निवास करने वाले सभी व्यक्ति वहां आ गए। पांडु के शाप का रहस्य जानकर सभी को बहुत दुख हुआ और वे कुंती से बोले कि हे वरानने, ये किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के ही हैं। मैं निश्चित बात कहती हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आह्वान किया। सभी देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और वो बोले कि निसंदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों को यथोचित सम्मान दिया। फिर उन बालकों को और बहु कुंती को लेकर भीष्म, प्रभति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नता पूरा समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। इस तरह आज मैंने आपको ये महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।